हे गाइस, आज की न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुके हैं। फर्स्टली मैं आपके साथ विक्टोरिया के रिगार्डिंग अपडेट्स इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिटर्न करवाने वाला प्लान है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कब इंटरनेशनल स्टूडेंट रिटर्न करेंगे, क्वारंटाइन वगैरह, खर्चा वगैरह, ठीक है कि कौन करेगा उसके रिगार्डिंग। और जो नेक्स्ट होगा वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल ट्रैवल के रिगार्डिंग भी आपके साथ अपडेट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और भी अपडेट्स हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और बेल आइकन को भी आप साथ में प्रेस कर ऑल पर सेट कर सकते हो कि न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्टली अपडेट है वो है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। फुली ऑस्ट्रेलिया में फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं 79.61% और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में 94.41 फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। न्यू साउथ वेल्स में 89.36, विक्टोरिया में 83.30 फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। न्यू साउथ वेल्स में 90% फुली वैक्सीनेटेड होने वाले हैं। और जो नेक्स्ट है वो तस्मीनिया की बात करें तो 77.35% हो चुके हैं, यहाँ भी 80% वैक्सीनेशन होने वाली है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 69.25% फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड में भी 66.33% हो चुके हैं फुली वैक्सीनेटेड। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 65.44 फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं और नॉर्थन टेरिटरी में 65.19 फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। सब में 80% काफ़ी ने न्यू साउथ वेल विक्टोरिया ने क्रॉस कर लिया 80% और काफ़ी में होने वाली है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अराइवल प्लान है, जो ठीक है विक्टोरिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिटर्न करवाने वाला प्लान है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सब कुछ शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो को इस अपडेट को ध्यान से सुन लेना कि क्या क्या उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिटर्न करें। जो फर्स्टली है उन्होंने बताया कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ठीक है उनको यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करेगी, जैसे आपको पता ही है ठीक है। और 2021 के दिसंबर में ठीक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो विक्टोरिया स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और आपको मैं एक बात बता दूं, फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा जो भी ठीक है। और अभी कंट्रियों का उन्होंने नाम नहीं बताया कौन कौन सी कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे और जो When will students begin arriving under this plan? इन्होंने मतलब ये क्वेश्चन है कि कब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लान में आएंगे। 2021 में ठीक है फर्स्ट स्टेज होगी इस प्लान की, तब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिटर्न करेंगे विक्टोरिया स्टेट में। और दूसरा है हाउ डू आई नो इफ आई हैव बीन सिलेक्टेड टू रिटर्न, कि कैसे पता चलेगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ रिटर्न करने के लिए ट्रैवल करने के लिए या नहीं। उन्होंने कहा कि भी यूनिवर्सिटी आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी ठीक है, वो ही फाइनल करेगा। और जो थर्ड है वो किया है कि जे मैं नहीं कॉन्टैक्ट होता ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी नहीं कॉन्टैक्ट करती, तो उन्होंने कहा कि भाई जो नेक्स्ट स्टेप होगा उनका ठीक है 2022 में होगा ठीक है। 2022 में जो इस प्लान का है रिटर्न प्लान की स्टेज टू होगी, तब इंटरनेशनल स्टूडेंट है मतलब ज़्यादा रिटर्न करेंगे, अभी स्मॉल नंबर में दिसंबर में जो विक्टोरिया में रिटर्न करेंगे। जो नेक्स्ट है व्हेन विल मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट बी अलाउड टू रिटर्न अंडर द प्लान, ये मैं आपको मैं बता ही चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि फर्स्टली जो है काफ़ी काफ़ी मतलब कम यूनिवर्सिटीज़ बुलाएंगी 2021 में ठीक है लास्ट में, और 2022 में सभी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस विक्टोरिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ कर देंगे रिटर्न करने के लिए। कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट मेक देयर ऑन अरेंजमेंट टू रिटर्न टू मेलबर्न इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अंडर दिस प्लान, कि मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा कि वो अपने आप अपनी फ्लाइट बुक कर विक्टोरिया में मेलबर्न में आ सकते हैं या नहीं ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई उसको एग्जेम्पशन की नीड है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, नहीं फिर उसको अंडर प्लान ही आना पड़ेगा ठीक है। जैसे उसके साथ यूनिवर्सिटी ट्रीट करेगी, यूनिवर्सिटी उसको सिलेक्ट करती है तो वो आ सकता, नहीं करती तो फिर वो नेक्स्ट 2022 के स्टार्टिंग में आएगा जब वो यूनिवर्सिटी उसको सिलेक्ट करेगी। और नेक्स्ट है विल रिटर्निंग स्टूडेंट बी रिक्वायर टू क्वारंटाइन आवर अराइवल इन विक्टोरिया, उन्होंने कहा भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है कि उसको नीड है क्वारंटाइन करने की, तो उन्होंने कहा भाई जो क्वारंटाइन का खर्चा वो यूनिवर्सिटी पे करेगी और जो उसका टिकट का खर्चा होगा वो
स्टूडेंट पे करेगा। और ये चेंज भी हो सकता है कि क्वारंटाइन ना करना पड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जो नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पार्टिसिपेट इन प्लान। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि क्वारंटाइन का जो यूनिवर्सिटी पे करेगी और जो फ्लाइट का है खर्चा वगैरह, ठीक है, वो है स्टूडेंट पे करेगा। और यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए भी कह सकती है क्वारंटाइन कॉस्ट के लिए। और ये मतलब सब चेंज भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी भी पे कर सकती है। और क्वारंटाइन का कोई मतलब पक्का नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो वैक्सीनेटेड होगा आई थिंक उनके लिए हो भी सकते कि भाई उनको क्वारंटाइन ना करना पड़े। और जो नेक्स्ट अपडेट है इसके रिगार्डिंग वो भी इसके रिलेटेड है कि विल स्टूडेंट रिटर्निंग अंडर प्लान नीड टू बी वैक्सीनेटेड, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट वैक्सीनेटेड होने ज़रूरी हैं। और ये TGA अप्रूव्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ठीक है, बाकी होगी इनकी एस्ट्राजेनिक, जॉनसन एंड जॉनसन, बाकी जो भी आपको पता है, ठीक है, वो वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए स्टूडेंट पर। और जो नेक्स्ट अपडेट है उसकी बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो प्लान है इंटरनेशनल ट्रैवल को, ठीक है, बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्शंस को ईज करने वाला वो आ चुका है, ठीक है। मार्क एमसी गोवन ने ये ट्वीट अभी 4:45 पहले ट्वीट किया है, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसमें इंटर स्टेट ट्रैवल के रिगार्डिंग उन्होंने अपडेट इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने अपडेट इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि कैसे कैसे इंटरनेशनल ट्रैवल सॉरी स्टार्ट होगा, और जो इंटर स्टेट ट्रैवल उनकी स्टेट के साथ ट्रैवल वो कैसे स्टार्ट होगा वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। इंटर स्टेट अराइवल्स की बात करें तो वो हो जाएगा उनका कंट्रोल बॉर्डर इज विद कंडीशंस, डबल डोज मतलब वैक्सीनेटेड होना चाहिए अराइवल, ठीक है। और जो नेक्स्ट है इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल अराइवल नो क्वारंटाइन फॉर डबल डोज वैक्सीनेटेड, जो फुली वैक्सीनेटेड होगा उसके लिए कोई क्वारंटाइन नहीं होगा, और उसका जो कोविड का नेगेटिव चाहिए, ठीक है, और जो होगा टेस्ट होना 22 आवर्स पहले वाला चाहिए, और जो 14 डेज का क्वारंटाइन करना पड़ेगा जो मतलब अनवैक्सीनेटेड होगा। और जो नेक्स्ट अपडेट बात करें तो वो है न्यू साउथ वेल एंड विक्टोरिया की स्टेट का जो इंटरनेशनल ट्रैवल है 4 नवंबर की नाइट से स्टार्ट हो चुका है, मतलब इंटर स्टेट ट्रैवल है जो इनका दोनों स्टेट का क्रिसमस के लिए स्टार्ट हो चुका है। न्यू साउथ वेल से लोग विक्टोरिया जा सकते हैं, विक्टोरिया से न्यू साउथ वेल जा सकते हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के भी 90% वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो जल्द कंप्लीट होगा, और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल ट्रैवल है वो भी स्टार्ट होगा। और यही थे आज के न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं कुछ न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के साथ।